दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक आरसी शिप, जो कि एक हाई स्पीड आरसी शिप का वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं हटे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और दोस्तों एक बात बता दूं, बनाने का तो मैं बहुत सारा बड़ा बड़ा आरसी प्लेन, बड़ा शिप, बड़ा आरसी कार बना दूं, बट क्या होता है, बनाने में बहुत ज्यादा खर्च भी होता है और बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है। और होता यह है कि वीडियो में 500-700 हजार व्यू आता तो मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिले और मेरा मेहनत जाया जाए, बेकार जाए, तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मैं बताता हूं कि अभी आरसी शिप में कौन कौन सा पार्ट्स लगने वाला, वो सारे पार्ट्स मैं दिखाता हूं। तो अभी हमारे पास जो ट्रांसमीटर है, मैं इसे यूज करने वाला हूं। और हमारे पास जो बैटरी है, यहां पे हमारे पास बीएनडीसी मोटर और यहां पे है सर्वो। तो दोस्तों आज 16 जून है, 5:39, अभी शाम के 5:39 हो रहे हैं और इस वीडियो को शूट करने में मुझे काफ़ी लंबा लग वक्त लगने वाला। चलिए फटाफट हम अपने सामान को देखते हैं। हमें आरसी बोट को बनाने के लिए जो चाहिए वो एक बीएलडीसी मोटर चाहिए। तो हमारे पास जो बीएलडीसी मोटर है वो 3660-3800 kV का है। ये काफ़ी हाई स्पीड मोटर है और बता दूं कि इसमें 2 सेल अगर मैं देता हूँ तो 30,000 RPM मिलता है, और अगर 3 सेल देता हूँ तो ये 45,000 RPM मिलता है। और इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक ईएसी। तो ये जो ईएसी है ये 2-way ईएसी है, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड, ये 2 से 4 सेल तक सपोर्टेड है। 120 एम्पियर का ईएसी है। और आरसी बोट के स्टायरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक सर्वो। ये सर्वो जो है वो 15 kg का है, मतलब 15 kg तक स्टायरिंग को कंट्रोल कर सकता है, तो हमें चाहिए एक सर्वो। आरसी शिप में जो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है वो होता है एक छोटा सा प्रोपेलर। तो हमारे पास ये 3 ब्लेड का प्रोपेलर है जो कि 1.5 इंच का है। हमारे पास एक कंप्रेसर मोटर है जो कि वाटर के लिए है। और मैं बता दूं कि हमारा जो ये मोटर है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, ये इन रनर मोटर है। तो इसे कूलिंग के लिए, इसके कूलिंग के लिए मैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक एल्युमिनियम का केसिंग आता है जो कि मोटर का कूलिंग के लिए काम आता है, तो यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है। तो मैं इस पाइप को यहाँ पे इस तरह से ऊपर में लपेट दूंगा और इससे हमारा ठंडा पानी जो है इस तरह से पार होगा और ये इस साइड से निकल जाएगा, तो हमारा मोटर जो है वो ठंडा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास है 2 लिपो बैटरी, जिसमें से एक लिपो बैटरी जो है वो 2 सेल का है, 2200 mAh का है। ये 3 सेल का था, 1 सेल इसका खराब हो गया था तो मैंने 1 सेल निकाल के बिक दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 सेल का 5200 mAh का बैटरी है। तो अभी मुझे कन्फर्म पता नहीं है कि इस प्रोपेलर से हमारा जो मोटर है वो कितना एम्पियर लेगा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट में 2200 mAh का बैटरी यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर ये 20 एम्पियर से ज़्यादा लेता है, 40-50 एम्पियर तक लेता है, तब मैं यहाँ पे इस बैटरी को यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो हमारा 3 सेल है, तो इसे सारे को मिला के मैं 2 सेल कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसे यूज़ करूँगा 2 सेल इस मोटर के लिए। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा बैकअप भी देगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ये मैं बाद में करूँगा। ये सारा सामान मिला के हमारा एक आरसी कार नहीं बनेगा, क्योंकि इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें जो एक सामान चाहिए वो हमारे पास है एक ट्रांसमीटर। तो इस ट्रांसमीटर से मैं बनाने वाला हूँ आरसी कार। ये पिस्टल रिमोट ट्रांसमीटर है, इसका नाम है GT3B Fly। इसका एक ये है 3 चैनल का ट्रांसमीटर और इसका एक रिसीवर भी है, ये 3 चैनल का रिसीवर है। तो इन सब को मिला के एक आरसी बोट बनने वाला है। कि अभी जो आरसी बोट मैं जिस चीज़ से बनाऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग उसे देखे काफ़ी मज़ा आएगा उसे देखकर। सॉरी मैंने 2 बार आरसी कार बोल दिया। तो दोस्तों अभी जो हमारा आरसी शिप का बॉडी बनने वाला है वो इसी बाल्टी से बनने वाला है। मुझे नहीं पता कि किसने इसे बिग दिया था कचड़े में। मैंने इसे चुन के लाया, इसे नहलाया, धोलाया, साफ किया, ज्यादा गंदगी में था बेचारा, मैंने इसे चुन के ला के साफ किया, धो धा के अब यूज कर लेना। बट कोई बात नहीं, अभी आरसी शिप में इसे यूज कर लेना है। और मैं बता दूं कि आरसी शिप में छोटे छोटे टुकड़े से बना सकता था, बट यहाँ पे हमारे आरसी शिप में बहुत ही ज्यादा स्पीड होने वाला है। और कहीं ऐसा नहीं होता कि, मतलब ऐसा हो सकता था कि हमारा आरसी बोर्ड जो है पानी में चलते चलते टूट के अलग हो जाए, इसीलिए मैं इसे एक शेप में बनाने वाला हूं ताकि जितना भी टकराव क्यों ना हो हमारा आरसी शीट जो है वो नहीं टूटे। तो अभी फटाफट हम इसे यहां से कट करते हैं। कट करने के बाद ये ऊपर का हट जाएगा, फिर यहां से भी कट कर देंगे, ये भी हट जाएगा और ये हमारा एक शेप बचेगा। यहाँ जो फटा हुआ है यहाँ से मैं सीधा कर लूंगा, फिर इसे हीट करके एक चटाई जैसा बना लूंगा। Brain goes numb, you can call it mental freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. Yeah, I feel like an
तो अभी हमारा जो मैंने बाल्टी को सीधा किया तो यहाँ पे हल्का सा राउंड हो गया है, यहाँ पे भी राउंड हो गया, तो इसे फटाफट कट करके सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद मैं इसमें कलर कर लूंगा, कलर करने के बाद इसका जो है वो शेप दूंगा। तो सबसे पहले मैं मार्क करके इसे कट कर लेता हूँ। अभी हमारा सीप जो है वो लगभग कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप दिया है, ये पाइप जो है वो वायरिंग वाला पाइप है 1 इंच का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पाइप का मैंने यूज़ किया है और काफ़ी सारा पाइप वेस्ट भी कर दिया। यहाँ पे प्रोपेलर के लिए सब्ट जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास ये सब्ट है, ये फेन का सॉफ्ट है 8mm का, और यहाँ पे घिस के इसे 5mm करना पड़ेगा। तो हम फटाफट पहले उसे कर लेते हैं, फिर मोटर प्रोपेलर को इंस्टॉल करेंगे। आरसी बूट का स्पीड देखा, मेकिंग वीडियो देखा, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे मुझे एक परेशानी हुई, जैसा कि मैंने सोचा था कि आरसी बोट में स्पीड बहुत ज्यादा होगा, हकीकत में स्पीड बहुत ही ज्यादा था, मुझे चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। बट यहाँ पे एक परेशानी जो मुझे हो रही थी, मैं ये ट्रांसमीटर को यूज कर रहा था और इस ट्रांसमीटर को मैंने 2017 जनवरी में खरीदा था, लगभग 5 साल होने को, तब से मैंने इस ट्रांसमीटर को यूज नहीं किया। इस ट्रांसमीटर को मैं दूसरी बार यूज कर रहा था, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज किया था रेंज टेस्ट नहीं किया था, दूसरी बार जब यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये बार बार रेंज छोड़ दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रेंज क्यों छोड़ दे रहा।
इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो आरसी बोर्ड था वो कुछ दूर जा रहा था और फिर बंद हो जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से आरसी बोर्ड को मैंने बहुत देर तक, मतलब ज्यादा देर तक स्पीड में नहीं चला सका। जहां तक सूट हुआ मैंने स्पीड में चेक किया, आपने स्पीड तो देखा ही होगा इसका। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी बात करेंगे कि अगर आप इस तरह का सिप बनाना चाहते हैं या बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा पार्ट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये मोटर ये एसी नहीं होगा, तो आप कौन सा मोटर लगा सकते हैं, कौन सा प्रोपेलर लगा सकते हैं, कौन सा एसी यूज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।